ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आपका इंटर एफएम में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, तो चैप्टर का नाम होता है डिविडेंड पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स, डिविडेंड पॉलिसी इस चैप्टर हम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ेंगे और इस चैप्टर हमारा हमारे लिए क्या रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनिए, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है, बाय द मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज व्हाट पॉलिसी टू बी फॉलोड विथ रेस्पेक्ट टू डिविडेंड। मतलब डिविडेंड के लिए हम क्या पॉलिसी फॉलो करेंगे, सो दैट आवर सो दैट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी मैक्सिमम। इसका मतलब डिविडेंड पॉलिसी हम इसीलिए पढ़ेंगे कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या पॉलिसी हम फॉलो करेंगे जिसके वजह से हम लोग का इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लो डिविडेंड के लिए मेरे पास 3 पॉलिसी है। डिविडेंड के लिए मेरे पास कितने पॉलिसी है, 3 पॉलिसी है। मतलब पॉलिसी नंबर ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी। ओके, मैं पॉलिसी ए भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फॉलो कर सकता हूँ, मैंने पॉलिसी बी भी फॉलो कर सकता हूँ, मैंने पॉलिसी 3 भी फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने पॉलिसी ए को फॉलो किया जिसके वजह से मेरा कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू 120 रहेगा, कितना 120। मान लो मैंने पॉलिसी बी फॉलो किया तो उस टाइम से मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू 140 हो जाएगा। अगर मैंने पॉलिसी सी को चूज किया तो मेरा जो कंपनी है उसका इक्विटी शेयर का वैल्यू 90 आ जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर, तो आप कौन सा पॉलिसी चूज करना चाहिए कि सर हम पॉलिसी बी को चूज करना चाहिए क्योंकि पॉलिसी बी अगर हम फॉलो करेंगे तो हम लोग का जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस 140 रहेगा, बाकी दोनों पॉलिसी में 140 नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम पॉलिसी बी फॉलो करेंगे तो हमारा इक्विटी शेयर का वैल्यू 140 रहेगा। इसका मतलब हमारे इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं, मतलब हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास जितना भी शेयर है वो सब शेयर 140 के हिसाब से वैल्यूएशन हो जाएगा। इसका मतलब इन लोगों का जो वेल्थ है वो वेल्थ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब बोलेंगे सर हम लोग इधर जो काम कर रहे हैं तो इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, कौन सा वो ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमेशन। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों, क्योंकि जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक क्लास किए थे तो बेसिक क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में हम लोग यही पढ़े थे, यही कवर किए थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा
क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमेशन। आप बोलेंगे सर ये प्रॉफिट मैक्सिमेशन और वेल्थ मैक्सिमेशन में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? तो सुनिए, मैं इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम लोग बैच शुरू किए थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट मैक्सिमेशन और वेल्थ मैक्सिमेशन के बीच में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग और मेनली फोकस करेंगे डिविडेंड पॉलिसी का कंसेप्ट को। तो अब हम लोग ये जो इंटर रिलेटेड टॉपिक है ना, इसको हम चर्चा नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है हमको एक ही पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, जिस पॉलिसी के वजह से हम लोग का जो इक्विटी शेयर है वो इक्विटी शेयर का प्राइस हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हम लोग का इक्विटी शेयर का प्राइस मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन लोगों का वेल्थ भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है सर, चैप्टर का बैकग्राउंड तो हमको मिल गया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन नॉलेज तो हमको मिल गया, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, लेंदी चैप्टर का मतलब बहुत टेक्निकल चैप्टर भी है, तो लेकिन अगर आप प्रॉपरली को रिवाइज करके आगे जाओगे तो ये चैप्टर आपके दिमाग में बहुत इजीली क्या रह जाएगा, ठीक है। तो आइए हम डिविडेंड पॉलिसी के एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। तो सुनिए, मैंने डिविडेंड पॉलिसी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना पार्ट में? तीन पार्ट में। तो मैंने आपके सामने डिस्कशन करूंगा कि पार्ट वन, फिर मैंने आपके सामने डिस्कशन करूंगा पार्ट टू, फिर मैंने आपके सामने डिस्कशन करूंगा पार्ट थ्री। अब बोलेंगे सर पहले पार्ट वन डिस्कशन करेंगे, फिर पार्ट टू डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट थ्री डिस्कशन करेंगे? मैं बोलूँगा ऐसे नहीं। तो मैंने पार्ट वन में पार्ट वन का लिस्ट दे दूंगा, मैंने आपको पार्ट टू का लिस्ट दे दूंगा, मैंने आपको पार्ट थ्री का लिस्ट दे दूंगा। अगर मुझे चाहिए कि पार्ट वन का कुछ भी कंसेप्ट है उसका समझाने के लिए मुझे पार्ट थ्री का कुछ कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा, तो मैं उस वक्त पार्ट थ्री का कुछ सब्जेक्ट्स कुछ कंसेप्ट भी डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। इसका मतलब इस चैप्टर का आप जो रिवाइज करेंगे आप तीन पार्ट में रिवाइज करेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। अब बोलेंगे सर अब तो बताइए पार्ट वन में आप क्या करेंगे? तो पार्ट वन में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ टेक्निक्स, जो टेक्निक आपको बताएगा कि एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है। इसका मतलब पार्ट वन में हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आप बोलेंगे सर क्या इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन सीखेंगे, प्रिफरेंस शेयर का वैल्यूएशन इधर नहीं सीखेंगे? बेटा मैंने इक्विटी शेयर बोल दिया, इसका मतलब वो इक्विटी शेयर नहीं है, वो शेयर है। इसका मतलब इस कंसेप्ट में प्रिफरेंस शेयर भी कवर हो जाएगा, लेकिन प्रिफरेंस शेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है, हमारे लिए इक्विटी शेयर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने इक्विटी शेयर लिख दिया, इसका मतलब कि सिर्फ इक्विटी शेयर नहीं, इसका मतलब प्रिफरेंस शेयर भी कवर हो सकता है, ठीक है, ओके। तो आइए, लेकिन मैं तो लिखूंगा कि इक्विटी शेयर। आपको इसमें अगर कुछ परेशानी है तो आपके उसके साइड में लिख सकते हैं कि प्रिफरेंस शेयर, ठीक है। तो आइए पार्ट वन में पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ओके। आप बोलेंगे सर इसका कोई दूसरा नाम है क्या? मैं बोलूँगा हाँ, डेफिनेटली इसका दूसरा नाम है, इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ, क्या हुआ बताओ ना सर। पार्ट टू में हम क्या सीखेंगे? सुनिए, पार्ट टू में हम सीखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। इसका मतलब पार्ट टू में हम सीखेंगे कि हमको कौन सा पॉलिसी फॉलो करना चाहिए,
हम डिविडेंट देने चाहते हैं। हम देखिए कंपनीज एक्ट में ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड पे करो, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर तभी डिविडेंड लेगा अगर कंपनी सोचता है कि डिविडेंड देने से अच्छा रहेगा। तो कंपनी अगर डिसाइड करेगा कि नहीं मुझे इस साल डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना है तो कंपनी डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त इक्विटी शेयर का कोई हक नहीं बनता है। इसका मतलब कंपनी डिसाइड करेगा कि मुझे डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अगर डिविडेंड देने से मेरा इक्विटी शेयर का वैल्यू या इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमम होगा तो मैं डिविडेंड पेमेंट करना चाहिए। अगर डिविडेंड नहीं देने से उन लोगों का वेल्थ मैक्सिमम होगा तो उस वक्त मैं यही डिसाइड करूंगा कि मुझे इस साल डिविडेंड नहीं देना है। तो ठीक है, हम तो ज़रूर सीखेंगे कि पार्ट टू जब हम डिस्कशन करेंगे तब हम सीखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। आप बोलेंगे सर अब तो बता दीजिए कि पार्ट थ्री में क्या सीखेंगे। नालायक बच्चों सुनो, पार्ट थ्री में हम कुछ नहीं सीखेंगे, थोड़ा मिसलेनियस कंसेप्ट सीखेंगे। मिसलेनियस कंसेप्ट डिविडेंड को लेकर, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर हमारे लिए कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है। मैं तो ज़रूर बताऊंगा कि हमारे लिए तीनों पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, हम किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सर बताइए पार्ट वन में, सुनिए पार्ट वन में हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। तो पार्ट वन में हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो अब बोलेंगे सर ऐसा कौन सा टेक्निक है हमारे सामने जो टेक्निक हमें बताएगा कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो ठीक है, मैंने आपको यहाँ लिस्ट दे देता हूँ कि इस टेक्निक लगा के हम इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कर सकते हैं। जब मैं पार्ट टू डिस्कशन करूंगा सारे टेक्निक एकदम डिटेल आपको दे दूंगा, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे ओल्टर मॉडल। अच्छा, उसके पहले मैं फिर थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूं कि ये जो पार्ट वन ये हमारे लिए थियोरी ऑफ डिविडेंड कहा जाता है। क्या थ्योरी ऑफ डिविडेंड? अब बोलेंगे सर हम जो सुने थे बचपन से कि हर चैप्टर का दो पार्ट होता है, एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, ये वही वाला थ्योरी है क्या? तो थ्योरी का मतलब तो हम थ्योरी को स्किप करने का आदत है हमारा ना। नहीं नहीं, ये थ्योरी मतलब एकदम थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं है। थ्योरी इसको आप बोल सकते हैं थियोरम, इसको फिर आप बोल सकते हैं रूल। अच्छा, अब बोलेंगे सर पहले हम थियोरीज ऑफ डिविडेंड कवर करेंगे, ठीक है। थियोरी ऑफ डिविडेंड में दो थियोरी आएगा, एक होगा डिविडेंड रिलेवेंस थियोरी और एक होगा डिविडेंट इरिलेवेंस थ्योरी। आप मेरे साथ साथ कॉपी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा कि कॉपी करने के लिए। तो जब मैं समझाऊंगा कि बोलूंगा कि रुको कॉपी मत करो, आप तब मेरे बात को सुनना चाहिए, लेकिन मैं जब बोलूंगा कि इसको कॉपी करो तो कॉपी करना शुरू कर दो। तो अभी मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी कर दो, ठीक है। सर बता दीजिए डिविडेंट रिलेवेंस थ्योरी क्या होता है, ए डिविडेंट इरिलेवेंस थ्योरी क्या होता है। ये दोनों थ्योरी हमको सिखाएगा कि वैल्यूएशन कैसे होगा, मतलब जो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर का टेक्निक्स है वो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर का टेक्निक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो एक पार्ट होता है डिविडेंट रिलेवेंस थ्योरी और एक पार्ट हो गया हमारा डिविडेंड इरिलेवेंस थ्योरी। अच्छा, डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी क्या कहता है, सुनो कॉपी मत करो, अभी देखो मैं टाइम दूंगा बाद में कॉपी करोगे। तो डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी कहता है
कि डिविडेंड हैव इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये बात डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी कहता है। क्या कहता है कि डिविडेंड हैव इफेक्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। इसका मतलब अगर डिविडेंड चेंज होगा तो इक्विटी शेयर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अगर डिविडेंड चेंज होगा तो इक्विटी शेयर का वैल्यू भी चेंज होगा। इसका मतलब डिविडेंड इज रिलेवेंट, डिविडेंड इज रिलेवेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब एक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वो चेंज होगा अगर चेंज हो गया किसमें, डिविडेंड में। मतलब जब हम इक्विटी शेयर को वैल्यूएशन करेंगे तो डिविडेंड को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर व एक इक्विटी शेयर के वैल्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है व क्या रिलेवेंट है, डिविडेंड। मतलब वैल्यूएशन के वक्त हमको डिविडेंड को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप तो बताइए डिविडेंड इरेलेवेंस थ्योरी क्या कहता है। डिविडेंड इरेलेवेंस मतलब थ्योरी कहता है कि डिविडेंड हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। इसका मतलब डिविडेंड अगर चेंज होगा तो इक्विटी शेयर के वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब आप डिविडेंड कुछ भी दो या नहीं दो, वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डिविडेंड चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगा इधर, डिविडेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा इधर। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों। देखिए दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, बनता है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि डिविडेंड इम्पोर्टेंट। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों। देखिए जो लोग कहते हैं कि डिविडेंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो लोग के पास सपोर्टिंग क्या सपोर्टिंग लॉजिक भी है। तो हम लॉजिक के साथ समझेंगे कि कैसे डिविडेंड इम्पोर्टेंट रहेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर के लिए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो जो कहते हैं ना डिविडेंड इम्पोर्टेंट है वो गलत बात है, वो झूठ बात है, डिविडेंड इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बोलेंगे ठीक है आपको बात को हम लोग मान लेंगे, लेकिन आप लॉजिक बता दीजिए। वो लोग भी लॉजिक के साथ प्रूव करते हैं कि डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। तो ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में ये दोनों का कॉन्सेप्ट को समझाना है, ठीक है। तो डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी कहता है कि डिविडेंड इज इम्पोर्टेंट फॉर वैल्यू, डिविडेंड इरेलेवेंट थ्योरी कहता है कि डिविडेंड इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर वैल्यू। अब बोलेंगे सर ये डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे। हम पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे ऑल्टर्स मॉडल। इसका मतलब ऑल्टर्स मॉडल आपको बताएगा कि इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कैसे होगा, फिर डिविडेंड को कंसीडर करके या डिविडेंड को इग्नोर करके डिविडेंड को कंसीडर करके। क्यों, क्योंकि ऑल्टर मॉडल कहता है कि डिविडेंड इज रिलेवेंट फॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और ऑल्टर मॉडल यही कहेगा कि जब इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करते हो ना तो पहले किसको कंसीडर करो, डिविडेंड को। डिविडेंड अगर चेंज होगा तो मेरे हिसाब से, मैं कौन हूँ, मैं हूँ ऑल्टर, तो डिविडेंड अगर चेंज होगा तो मेरे हिसाब से इक्विटी शेयर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बोलेंगे सर फिर कौन सा टेक्निक पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गोर्डन मॉडल। सर ये गोर्डन मॉडल क्या होता है, जब मैं एक एक मॉडल आपके सामने डिस्कशन करूंगा तब मैं आपको जरूर पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा कि ऑल्टर मॉडल क्या होता है, गोर्डन मॉडल क्या होता है। लेकिन अभी ये जो पार्ट चल रहा है इसमें हम क्या करेंगे ना, इस चैप्टर का बैकग्राउंड लेंगे, इस चैप्टर हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम एक एक टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है सर और क्या पढ़ेंगे, और बहुत कुछ मॉडल है डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी में, लेकिन हम डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी में इधर दो मॉडल चर्चा करेंगे। बाकी जो मॉडल हैं हम मिसलेनियस टॉपिक में भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है
तो डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी में दो मॉडल आते, दो थ्योरी आता है, एक होता है डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी और एक होता है डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी। ई रिलेवेंस थ्योरी में हम एक ही मॉडल कवर करेंगे जिसका नाम होता है मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। आप हम लोग सॉरी आप इसको एकदम प्यार से बोल सकते हैं कि MM अप्रोच। आप प्यार में इसको बोल सकते हैं क्या अप्रोच, कौन सा अप्रोच? MM अप्रोच। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो डिविडेंड पॉलिसी का पार्ट वन मैंने आपके सामने एकदम इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। तो पार्ट वन में हम देखेंगे डिविडेंड थ्योरी। डिविडेंड थ्योरी में दो चीज़ आता है, डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी और एक चीज़ आता है डिविडेंड इरेलेवेंस थ्योरी। ओके सर, पार्ट टू में हम सीखेंगे हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। क्या डिविडेंड पॉलिसी? ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। सुनिए, ऑप्टिमेंट डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है वही पॉलिसी जिस पॉलिसी में हमारे वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्टिमम। इसका मतलब हमको वही पॉलिसी फॉलो करना है जिस पॉलिसी में या जिस पे आउट रेशियो में, पॉलिसी को हम पे आउट रेशियो भी कह सकते हैं, तो जिस पॉलिसी में हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ठीक है, तो पार्ट टू में और कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट हम समझेंगे कि पार्ट टू में हम समझेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। तो इधर अच्छा, आप पहले इसको कॉपी मारो, ठीक है। अगर जो लोग इस इस क्लास को यूट्यूब में देखते हो, तो सबसे पहले मैंने मेरा यही रिक्वेस्ट आप लोगों को रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो वीडियो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ये वो कंसेप्ट हर CSCA में इंटरमीडिएट स्टूडेंट के पास रीच होना चाहिए। तो ठीक है, तो पहले इसको कॉपी मारो। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी मार सकते हैं, लेकिन स्क्रीन शॉट लेके भी कॉपी मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको टाइम आपके लिए वेट नहीं करूँगा, मैं आगे चल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। तो आप इधर लिखो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इज दैट पे आउट रेशियो या पॉलिसी वेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। अच्छा, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज दैट पे आउट रेशियो या ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इज दैट पॉलिसी आउट हुईच द वैल्यू ऑफ आवर इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम। ओके ठीक है, अब बोलेंगे सर मिसलेनियस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? मिसलेनियस टॉपिक में बहुत कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसका लिस्ट इधर हम नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, तो जब हम शुरू करेंगे मिसलेनियस कंसेप्ट, तो मिसलेनियस कंसेप्ट में लिखा दूंगा कि जो कंसेप्ट इधर नहीं है, फिर भी इस चैप्टर में हम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी उसको समझो कि वो मिसलेनियस कंसेप्ट का कंसेप्ट। ओके, तो क्या सोचते हो इस चैप्टर में आपका रोल क्या है, आप क्या करेंगे? ये तो का समझ में आ गया, तो ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, यानी आप लोगों को 2 मिनट या 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे एकदम डिटेल शुरू करेंगे। तो ये जो सेशन था, ये जो एकदम शॉर्ट वीडियो है, मैं मानता हूँ कि ये जो कम टाइम हम लिया था, तो इस टाइम में मैं डिविडेंड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। तो ठीक है, तो जो भी इस चैप्टर को भाई इस क्लास को यूट्यूब में देखते हो, तो आप मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा, मतलब ये डिविडेंड पॉलिसी का पहला वाला क्लास, पार्ट वन क्लास, पार्ट टू क्लास आप देखोगे, तो इसको हम जहाँ ख़त्म किए वहीं से शुरू करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, टेक ब्रेक, वी विल मीट आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, थैंक यू।